तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वाकया सऊदी अरब का है। उस दिन उस लड़की की शादी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी, बारात आने ही वाली थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था, हर इंसान अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। दुल्हन को भी तैयार किया जा रहा था। दुल्हन को नया जोड़ा पहनाकर मेकअप से सजाया जा रहा था। खुशी का माहौल था, सब लोग बहुत खुश थे। कुछ ही देर के बाद जोहर की अजान हुई। उस लड़की ने अजान की आवाज सुनते ही दिल में ये ख्याल किया, अजान हो रही है, लाओ वजू करके नमाज अदा करूं। वो ये सोचकर वजू करने जा ही रही थी, इतने में लड़की की माँ आई और बोली, बेटी कहाँ जा रही हो? लड़की ने कहा, अम्मी जान अजान हो रही है, वजू करके नमाज अदा करूंगी। लड़की की माँ बोली, बेटा पागल हो गई हो? नीचे मेहमान है, बारात आने वाली है, वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा और तुम खूबसूरत नहीं दिखोगी। लड़की ने जवाब दिया, अम्मी जान मैं अल्लाह तबारक बताला की नजर में खूबसूरत होना चाहती हूँ, मुझे अल्लाह का डर है, मेहमानों का नहीं। सुभान अल्लाह। ये कहकर वो लड़की वजू करने चली गई और नमाज के लिए नियत बांध ली। जैसे ही वो लड़की सजदे में गई, फिर वो उठ ना सकी, यानी के सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। मौत तो सबको आनी है, पर इतनी खूबसूरत मौत किस्मत वालों को नसीब होती है। लड़की जब काफी देर तक नीचे नहीं आई तो उसकी माँ लड़की को देखने के लिए रूम में गई तो देखा लड़की सजदे में है और उसका इंतकाल हो चुका है। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जिन लोगों के चेहरे पे खुशियाँ थी, उन लोगों के चेहरे उतर गए। ये देखकर लड़की की माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तुम सही कहती थी, डर अल्लाह तबारक बताला का होना चाहिए, दुनिया का नहीं। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो जरा जरा से मेकअप की वजह से नमाजें कजा कर देती हैं। अल्लाह तबारक बताला से दुआ है, अल्लाह ऐसे इंसानों को नेक हिदायत दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नमाज हम पे और आप पे फर्ज है, चाहे हम खुश हो या फिर हम गम में हो या फिर हम किसी भी हालत में हो, लेकिन पहले हम अपने फर्ज अदा करेंगे, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। अल्लाह तबारक बताला से दुआ है, अल्लाह हमें और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके जरा सी भी ये वीडियो दिल पे लगा हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने कुछ करीबी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से ये